Welcome, children. In this video, you are going to learn about strings in Python, which is another very important data type in Python. So, let us start. String in Python are zero or more characters enclosed within quotes of any type. See, children, you have learned about various types of data types, and you have seen that one of the data types was. स्ट्रिंग्स ठीक है तो उसमें स्ट्रिंग क्या होता है स्ट्रिंग इज एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स बी इट इन टीजर्स बी इट स्पेशल कैरेक्टर्स बी इट एल्फाबेट इफ़ इट इज इंक्लोज विद इन कोट्स देन इट इज सेट टू बी अ स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल सिंगल कोट डबल कोट ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट तो कोई भी वैल्यू अगर इन फोर टाइप ऑफ कोड्स के विदिन लाई करती है तो वो वैल्यू हमारी स्ट्रिंग वैल्यू कहलाती है ठीक है सो वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि हमारे पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता जैसे कि अदर अदर लैंग्वेजेस में होता था वहाँ अदर लैंग्वेजेस में इफ़ देर इज़ आर ओनली अ सिंगल कैरेक्टर विद इन कोड्स देन दिस इज सेट टू बी कैरेक्टर ओके बट इफ इट इज मोर देन वन कैरेक्टर देन इट इज़ सेट टू बी अ स्ट्रिंग एंड इन दैट केस स्ट्रिंग हैजू बी विद इन डबल कोट्स तो ये अदर लैंग्वेजेस में होता था लेकिन पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है अगर हमारा सिंगल कोट के अंदर भी कोई कैरेक्टर है तो हम उसको स्ट्रिंग ही कहते हैं सो फॉर पाइथन दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग एंड दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग ठीक है so, Python, string, तो दिस इज स्ट्रिंग विच इज़ वॉट इट इज स्ट्रिंग इन पाइथन आर जीरो और मोर कैरेक्टर्स यानी कि अगर आपके कोट्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं है तब भी वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा एंड सच इन सच अ केस द स्ट्रिंग इज सेट टू बी अर नल स्ट्रिंग वी विल सी सम एग्जाम्पल्स नाउ यू कैन सी हेयर दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज इनक्लोज विद इन डबल कोट्स सो इट इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल देन हेयर यू कैन सी इट इज ट्रिपल सिंगल कोट्स अगेन इट इज़ अ स्ट्रिंग इट इज ट्रिपल डबल कोट्स इट इज़ अ स्ट्रिंग यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग यू हैव एल्फाबेट एज वेल डिजिटलो एंड अ स्पेशल कैरेक्टर ऑल्सो सो यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ लिटल्स एंडलोज विद इन कोट्स एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल भी कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारा सिर्फ सिंगल कोट है मीन्स हमारे कोट ओपन है और क्लोज है इसके बीच में हमारे पास कोई कैरेक्टर नहीं है तो ऐसी स्ट्रिंग को हम कहते हैं नल स्ट्रिंग सो नल स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट हैज जीरो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और इट इज जस्ट अ पेयर ऑफ कोटेशन मार्क्स ठीक है so, तो इसीलिए मैंने जब आपको डेफिनेशन बताया था तो मैंने बोला था कि स्ट्रिंग्स एंड पाइथन आर जीरो और मोर कैरेक्टर्स एनक्लोज विद इन कोट्स ओके नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स किस किस तरीके की स्ट्रिंग्स होती हैं बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स पहला है सिंगल लाइन स्ट्रिंग सेकेंड एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग जैसा कि नेम है इट हैज टू एंड विद इन अ सिंगल लाइन ठीक है लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स वो होती हैं जो कि मोर देन वन लाइन ऑक्यूपाई कर सकती हैं ठीक है ठीके? तो अब हम कैसे इनको लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए abc enclosed within double quotes is said to be a string and since it is ending within a single line it is called a single line string computer is enclosed within single quotes this is also a single line string okay? this is an example of multi-line string america new york so these, this particular string is occupying three lines so it is a multi-line string एंड इन द सेम वे हेलो एट द रेट वन टू थ्री वर्ल्ड दिस इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग मोर देन वन लाइन सो इट इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैक्सिमम केसेस में मोर देन वन लाइन में एक्सपेंड करती है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है मल्टी लाइन स्ट्रिंग में सिंगल लाइन भी अलाउड है नेक्स्ट वी विल डिस्कस सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स इन डिटेल जैसे कि मैंने बताया ये वो स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि सिंगल लाइन में एंड होती हैं दूसरी बात कि ये जो सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स हैं हम इनको जनरली सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो जो कन्वेंशन है वो कहता है कि अगर आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग और सिंगल लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो आप उसके लिए या तो सिंगल कोट्स यूज़ करिए या डबल कोट्स यूज़ करिए लेकिन ये कोई रूल नहीं है आप चाहें तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग को ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में भी लिख सकते हैं यानी कि ट्रिपल सिंगल कोर्ट्स और ट्रिपल डबल कोर्स में भी आप इसको लिख सकते हैं ठीक है तो द बेसिक पॉइंट इज दैट यू मस्ट ट्राई टू एनक्लोज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग विद इन सिंगल कोर्ट्स और डबल कोर्स ओनली बट इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज दीज कोर्स ऑल्सो फॉर एनक्लोजिंग अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग सो हेयर यू कैन सी दैट दीज आर द एग्जाम्पल्स samira within double quote books within single quote my file within triple single quote and cab at the rate 45 cab hash 45 is enclosed within triple double quotes okay so a string can be a single line string can be enclosed within any of these four types of quotes now what if you want sometimes what happens कि हमारी जो सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है वो हमारी पाइथन की जो स्क्रीन होती है उससे थोड़ी लंबी होती है ठीक है और हमको उस लाइन को दूसरी लाइन पे एक्सटेंड करना पड़ता है ठीक है मान लीजिए आपकी ये ये स्क्रीन है पाइथन की ठीक है आपने एक स्ट्रिंग लिखना स्टार्ट किया आपने सिंगल कोट लगाया और आपने जब लिखना स्टार्ट किया तो आपकी सिंगल लाइन में स्ट्रिंग ख़त्म हुई नहीं लेकिन आप चाहते हैं कि अगर मैं दूसरी लाइन में लिखूँ तब भी मेरी इस लाइन को सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही माना जाए ठीक है और ये मुझे इसलिए करना पड़ा मुझे लाइन चेंज करनी नहीं थी लेकिन यहाँ स्क्रीन फिनिश हो गई तो जब स्क्रीन फिनिश हो गई तो मुझे यहाँ से लिखना पड़ गया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहती हूँ कि ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो तो ये आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि हाउ टू एक्सपैंड सिंगल लाइन स्ट्रिंग ओवर मल्टीपल लाइंस ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं जहां पे भी हमें लाइन चेंज करना पड़ता है उससे पहले हम एक बैक स्लैश लगा देते हैं ये बैक स्लैश ठीक है यानी यू हैव टू इट कैन बी स्प्रेड ओवर मल्टीपल लाइन्स बाई एडिंग अ बैक स्लैश एट द एंड बिफोर प्रेसिंग एंटर की लेट एस सी सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट अब आप यहाँ पर देखिए हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है माय स्कूल ठीक है आई एक्चुअली वॉन्टेड टू राइट माई स्कूल इज ग्रेट लेकिन यहाँ हुआ क्या कि जैसे ही मैंने लिखा माय स्कूल और मैंने एंटर की प्रेस की कि मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लूँ तो मुझे तुरंत एरर आ गई एरर इसलिए आई क्योंकि आपने यहाँ पे कहा कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग होगी लेकिन आप मल्टीपल लाइंस में जाने लगे एंटर की प्रेस किया इसका मतलब आप मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हैं इसको तो आप इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते अगर आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग मल्टीपल लाइंस में लिखनी होगी तो एंटर की प्रेस करने से पहले आपको इस तरीके का बैक स्लैश लगाना पड़ेगा तो अब क्या होगा माय स्कूल जब आपने बैक स्लैश लगाया तो सिस्टम को पता चल गया कि आप एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में लिखना चाह रहे हैं ठीक है तो इसलिए आप इस बार इसने एरर नहीं दिया देखिए मैंने बैक स्लैश लिखने के बाद यहाँ एंटर की प्रेस किया तो कर्सर मेरा यहाँ आया और मैं अपनी रिमेनिंग स्ट्रिंग लिख पाई लेकिन यहाँ पे जब मैंने वही चीज़ ट्राई की थी तो मेरा एरर आया क्योंकि मैंने बैक स्लैश नहीं लगाया था और बैक स्लैश लगा अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब आपको सिंगल लाइन में ही अपनी स्ट्रिंग को ख़त्म करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए मैंने ये बैक स्लैश लगाया अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बैक स्लैश इज़ दैट ये हमारी स्ट्रिंग में नज़र ज़रूर आ रहा है लेकिन ये सिस्टम निगलेक्ट कर देगा इसको इस स्ट्रिंग का कंटेंट नहीं मानेगा जैसे देखिए मैंने जब एस को प्रिंट किया तो मेरा लिखा माई स्कूल और उसके बाद सीधे इज ग्रेट आ गया बैक स्लैश तो आया नहीं एल के बाद इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो बैक स्लैश है ये सिर्फ एक सिंटेक्स का पार्ट है और सिस्टम इसको सिर्फ इसलिए यूज करवाता है आपसे ताकि आप एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन पर लिख पाए ठीक है और इसी तरह देखिए मैंने जब प्रिंट टेस्ट किया तो भी बैक स्लैश नहीं नज़र आ रहा है इससे ये प्रूव होता है कि ये बैक स्लैश कंटेंट में इंक्लूड नहीं हुआ है इसीलिए जब आप इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे तो आपकी लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे माय स्कूल माय में टू माय वर्ड में आपके टू लेटर्स हैं फिर उसके बाद एक स्पेस है वन लिया फिर स्कूल में सिक्स कैरेक्टर्स हैं ठीक है उसके बाद में टू कैरेक्टर्स है फिर एक स्पेस है ठीक फिर ग्रेट में फाइव कैरेक्टर्स है तो टोटल कितने हो गए टू प्लस वन थ्री नाइन देन इलेवन एंड देन ट्वेल्व एंड ट्वेल्व प्लस फाइव सेवेंटीन सी आपकी लेंथ क्या 17. अगर इसमें बैक स्लैश इंक्लूडेड होता तो इसकी लेंथ आती। इससे ये प्रूव होता है कि आपने ये ये जो लगाया है, ये आपकी है, आपकी स्ट्रिंग का कंटेंट नहीं और इसको लेंथ में भी काउंट नहीं किया जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग साइज ऑफ अ स्ट्रिंग ओके नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स एज नेम सजेट्स ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो कि मोर देन वन लाइन ऑक्यूपाई करती हैं ठीक है कन्वेंशन कहता है कन्वेंशन क्या होता है कन्वेंशन मतलब एक तरीका एक स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग ठीक है वो कहती है कि आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट के अंदर लिखना चाहिए जैसे कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स किस में लिखनी चाहिए हमें सिंगल कोट या डबल कोट लेकिन हम चाहे तो उसको सिंगल ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट में भी लिख सकते थे लेकिन स्ट्रिंग्स के साथ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स हमेशा सिंगल कोट कोट या ट्रिपल डबल के अंदर ही लिखनी पड़ेगी और जैसे ही आप किसी स्ट्रिंग को ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट के अंदर लिखते हैं पाइथन समझ जाता है कि आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स लिखनी है ठीक है अब ये जो हमारे ट्रिपल कोट ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें आपको जब भी लाइन चेंज करनी हो आपको कोई बैक स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट ने ऑलरेडी सिस्टम को ये बता दिया है कि आप जो स्ट्रिंग लिखने जा रहे हैं वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है ठीक है इसलिए अगर आपको कोई भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी हो तो आपको इन दोनों कोड्स के अंदर उसे लिखना होगा और उसके अंदर आपको लाइन चेंज करने से पहले कोई एंटर कोई बैक स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हेयर एवरी लाइन चेंज कैरेक्टर यानी जितनी बार आप एंटर की प्रेस करेंगे डबल कोड ट्रिपल ट्रिपल कोड्स के अंदर उतनी बार वो एंटर की यानी कि जो आपका लाइन चेंज कैरेक्टर है बैक स्लैश एन उसको लेंथ में काउंट किया जाएगा वहाँ आपको मैंने इस केस में बताया था कि देखिए ये जो बैक स्लैश है इसको लेंथ में इंक्लूड नहीं किया जाता है ठीक है लेकिन ये जो हमारी मल्टी लाइन होती हैं उसमें आप जितनी बार एंटर की प्रेस करोगे कोट्स के अंदर उतनी बार आपका लाइन चेंज कैरेक्टर लेंथ में काउंट होगा इसको एक एग्जांपल से देखते हैं यहाँ देखिए सॉरी दिस इज नॉट द एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है मैंने माई कंप्यूटर बुक ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखी है अब इसमें देखिए माई के बाद मैंने एंटर की प्रेस किया है कंप्यूटर के बाद एंटर की प्रेस किया है ठीक है कोई बैक स्लैश नहीं लगाया लेकिन ये जो एंटर की यहाँ प्रेस की और यहाँ प्रेस की इसको लेंथ में इंक्लूड किया जाएगा यानी ये स्ट्रिंग का कंटेंट माना जाएगा ठीक है अब आप देखो यहाँ पे जब मैंने एस को प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे देखिए माई के बाद एंटर की प्रेस किया था एंटर की प्रोग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट होती है बैक स्लैशन से बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन ठीक है तो हर न्यू लाइन कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग का कंटेंट बन जाएगा और इसीलिए जब आप उसको इस तरह प्रिंट कराएंगे डायरेक्ट दे देंगे तो आपको बैक स्लैश एन नज़र आएगा लेकिन अगर प्रिंट में दे दोगे तो प्रिंट इस बैक स्लैश एन को एग्जीक्यूट कर देता है और एग्जीक्यूट करने का मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा तो कंप्यूटर लिखने से पहले कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया बुक लिखने से पहले कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया ठीक है और आप लेंथ कैलकुलेट करिए तो देखिए यहाँ पे क्या लेंथ आती है माई में टू कैरेक्टर्स हैं कंप्यूटर में एट कैरेक्टर्स हैं और बुक में फोर कैरेक्टर्स हैं तो इसकी लेंथ तो फोर्टीन होनी चाहिए थी लेकिन देखिए लेंथ क्या आ रही है सिक्सटीन आ रही है इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो हमने दो लाइन चेंज किए थे ना यहाँ एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ये भी इस लेंथ में इंक्लूड हो गए हैं अब आप देखो यहाँ पे सिक्सटीन आ रही है ना लेंथ टू यहाँ साइज हो गया एट यहाँ साइज़ हो गया फोर यहाँ साइज़ हो गया लेकिन एक यहाँ पे जो बैक स्लैशन है वो भी काउंट हुआ और यहाँ जो बैक स्लैशन है वो भी काउंट हुआ इसे देखिए टू प्लस वन थ्री हो गया एट प्लस वन नाइन हो गया और ये फोर हो गया अब आप जोड़िए इसको नाइन थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व एंड फोर सिक्सटीन तो इस तरह से यहां पे ये प्रूव होता है कि ट्रिपल कोड्स के अंदर आप जब भी लाइन चेंज करते हैं तो वो कंटेंट में इंक्लूड होता है और उसको लेंथ में भी हम काउंट करते हैं वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मल्टी लाइन स्ट्रिंग इज दैट कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग को ट्रिपल कोड्स के अंदर ट्रिपल कोड्स के अंदर आप इसको जब भी लिखते हैं यानी ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स आर आल्सो कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग्स एंड आर यूज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, यानी जब भी हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना होता है तो हम ट्रिपल सिंगल कोड्स के अंदर ही अपने कमेंट को लिखते हैं यानी ठीक है तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो इस कोड में मैंने ये जो लाइन लिखी है ये स्टोरिंग सम ऑफ टू नंबर्स ये मेरी मल्टी लाइन कमेंट है और इस मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए मैंने देखिए ट्रिपल सिंगल कोर्स या ट्रिपल डबल कोर्स का हेल्प लिया है और जब आप आउटपुट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस लाइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ठीक है क्योंकि कमेंट्स आर सिंपली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर और एंटरप्रेटर तो ये ये यहाँ पे है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए सिर्फ समझाने के लिए कि ये क्या हो रहा है एस के अंदर क्या हो रहा है ठीक है तो इस तरीके की जब भी हम ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स अपने आ, प्रोग्राम में लिखते हैं तो उनको हम डॉक स्ट्रिंग्स कहते हैं ठीक है और इनका परपज़ क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस एक्सप्लेनेशन और ये मल्टीलाइन कमेंट्स भी कहलाते हैं नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग को अगर आपको मल्टीपल लाइंस में लिखना है तो आपको बैक स्लैश लगाना होता है बिफोर प्रेसिंग एंटर की और वो बैक स्लैश इंक्लूड नहीं होता लेंथ में लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में आप जितनी बार एंटर की प्रेस करते हैं उतनी बार एंटर की भी हमारी लेंथ में इंक्लूड होती है ठीक है अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो आप देखिए मैंने कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ देखिए सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली है आयुषीज़ पेन ठीक है तो मैंने इसकी लेंथ निकाली देखिए ट्वेल्थ ट्वेल्थ आ रही है ठीक है क्यों कैसे आई आयुषी में कितने कैरेक्टर हैं सिक्स ठीक है फिर एक स्पेस है फिर सिंगल कोट है फिर एस है उसका भी वन साइज़ हो जाएगा फिर एक स्पेस है और फिर पेन का थ्री साइज तो सिक्स फोर टेन ओके सॉरी हेयर यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है वो ऐसी दिख रही है लेकिन ये स्पेस नहीं है सॉरी तो यहाँ पे देखिए आयुषीज में कोई स्पेस नहीं है तो आयुषी के सिक्स कैरेक्टर्स हो गए फिर एक सिंगल कोट फिर एस और फिर एक स्पेस और फिर पेन के थ्री तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका ट्वेल्व लेंथ आ गई ठीक फिर दिस इज माई बेस्ट क्रिएशन ये ट्रिपल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है और ट्रिपल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है ठीक है तो यहाँ पे जितनी बार आप लाइन चेंज करोगे ना उतनी बार आपका बैक स्लेशन इंक्लूड होगा इसलिए जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो दिस दिस की कितनी लेंथ हो गई फोर फिर एक स्पेस है फिर इसकी टू लेंथ हो गई ठीक फिर लाइन चेंज कैरेक्टर इसलिए वन ऐड कर लेंगे फिर माई में टू है बेस्ट माई के बाद एक स्पेस है फिर बेस्ट के फोर हैं फिर लाइन चेंज कैरेक्टर इंक्लूड करेंगे फिर क्रिएशन में कितने हैं देखिए एट हैं इतना आप ऐड कर लीजिए फोर प्लस वन फाइव सेवन एट टेन एलेवन फिफ्टीन देन सिक्सटीन सिक्सटीन एंड एट ट्वेंटी फोर ठीक है तो देखिए इसकी लेंथ क्या आ रही है ट्वेंटी फोर आ रही है फिर ये हमारी स्ट्रिंग है अब देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे ये जो मेरा एग्जाम्पल है इसमें मेरे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग स्प्रेड ओवर मल्टीपल लाइन है क्यों ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है एक तो ये सिंगल कोट के अंदर है देखिए ठीक है दूसरा मैंने बैक स्लैश लगा रखा है तो बैक स्लैश से क्या इंडिकेट होता है कि आप एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग को ही मल्टीपल लाइंस में लिखने जा रहे हैं तो ये जो बैक स्लैश है ये लेंथ में इंक्लूड नहीं होगा तो वेलकम में कितने लेटर्स हैं सेवन फिर टू में कितने लेटर्स हैं टू फिर पाइथन में सिक्स तो सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन देखिए फिफ्टीन लेंथ है ठीक है फिर उसके बाद स्टिकी बैक स्लैश टी कीज आपको मालूम है कि एस्केप सीक्वेंसेस की लेंथ ओनली वन कैरेक्टर होती है और यहाँ पे मेरा बैक स्लैश टी एक एस्केप सीक्वेंस है तो देखिए मेरा ये ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग है तो इसमें स्टिकी में सिक्स कैरेक्टर्स हैं फिर बैक स्लैश टी को वन माना जाएगा एक स्पेस है फिर और उसके बाद कीज कीज़ फोर है तो देखिए सिक्स प्लस टू एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व लेंथ आ गई यहाँ पे देखिए फिर से मैंने एक ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग ली है लेकिन इसमें देखिए आपका बैक स्लैश लगा है लाइन चेंज से पहले इसका मतलब आपने ट्रिपल कोट्स के अंदर सिंगल लाइन स्ट्रिंग बनाई है जो कि मल्टीपल लाइन्स में एक्सपैंड होती है तो ये बैक स्लैश टी ये बैक स्लैश इंक्लूड नहीं होंगे लेंथ में तो दिस में कितने कैरेक्टर हैं फोर फिर बैक स्लैश इंक्लूड होना नहीं है कोर्स में कितने कैरेक्टर हैं सिक्स फिर एक स्पेस है फिर इज में कितने कैरेक्टर हैं टू फिर ग्रेट ग्रेट में देखिए क्या है जी आर ई ए ये फोर कैरेक्टर्स हो गए फिर बैक स्लैश सिंगल कोट ये एक एस्केप सीक्वेंस है तो इसका वन साइज होगा फिर टी टी का भी वन साइज होगा अब आप जोड़ लीजिए इन सबको सिक्स टेन टेन प्लस वन इलेवन देन थर्टीन एंड देन सेवनटीन एटीन नाइनटीन देखिए नाइनटीन लेंथ है ठीक है इस स्ट्रिंग को देखिए मैंने प्रिंट भी करके दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बैक स्लैश जो है ये कंटेंट में आया नहीं देखिए दिस के बाद कोई बैक स्लैश नहीं है कोर्स के बाद कोर्स इज के बाद भी कोई बैक स्लैश नहीं है क्योंकि ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है ना और सिंगल लाइन स्ट्रिंग में बैक स्लैश इंक्लूड होता नहीं है फिर ये मेरी स्ट्रिंग है एक्स वाई लाइन चेंज जेड डब्ल्यू अब यहाँ पे एक्स वाई में देखिए ये ट्रिपल कोर्ट्स हैं तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है क्योंकि बैक स्लैश यूज़ हुआ नहीं है फिर एक्स वाई में कितने हुए टू कैरेक्टर्स जेड डब्लू में टू कैरेक्टर्स लेकिन बीच में एक लाइन चेंज कैरेक्टर है तो वन वो हो जाएगा तो फाइव देखिए लेंथ है और इसी में देखिए मैंने जब बैक स्लैश लगा दिया तो ये क्या बन गई सिंगल लाइन स्ट्रिंग बन गई और इसकी लेंथ आई फोर क्योंकि ये बैक स्लैश इंक्लूड हुआ नहीं ठीक है और टी को देखिए मैंने प्रिंट भी करके दिखाया तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू प्रिंट हुआ क्योंकि ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें आपने ये पढ़ा कि स्ट्रिंग्स क्या हैं हम उन्हें कैसे लिखते हैं वॉट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ Single or multi-line strings. In the next part, we'll be discussing how the strings are stored in memory, how they are indexed, how they are in, means how the elements are indexed in a, a string, and how to access the elements of a string. So for now, thank you so much. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.